फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए घर संसार वास्तु शास्त्र को और दबाइए इस नोटिफिकेशन बेल को ताकि आप देख सकें हमारे वीडियो को सबसे पहले। सावन के पवित्र माह की शुरुआत होने वाली है, इसी वजह से भक्तगण अलग अलग तरीकों से भगवान शिव को खुश करने की तैयारी कर रहे हैं। हर कोई यही सोचता है कि किस तरह पूजा पाठ करेंगे कि भगवान शिव की कृपा बनी रहेगी। वैसे तो भगवान शिव को भोले भंडारी कहते हैं, जो केवल भाव के भूखे हैं। वे श्रद्धा भाव से साधारण तरीके से की गई पूजा से भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं कैसे करें भगवान शिव का अभिषेक। सावन में महादेव की पूजा अभिषेक से की जाती है। शिवजी को जल, दूध, दही, घी, शक्कर, गंगा जल, गन्ना रस से अभिषेक किया जाता है। अभिषेक के बाद बेलपत्र, समीपत्र, दूब, कुशा, कमल, नीलकमल, आक, मदार, जमाफूल, कनेर, रायफूल आदि चढ़ाकर खुश किया जाता है। इसके साथ ही भोग में धतूरा, भांग और श्रीफल महादेव को चढ़ाया जाता है। भगवान शिव का अभिषेक करने के पीछे एक पौराणिक कथा का उल्लेख है कि समुद्र मंथन के समय हलाहल विष निकलने के बाद जब महादेव इस विष का पान करते हैं तो वह मूर्छित हो जाते हैं। उनकी दशा देखकर सभी देवी देवता भयभीत हो जाते हैं और उन्हें होश में लाने के लिए निकट में जो चीजें उपलब्ध होती हैं उनसे महादेव का स्नान कराने लगते हैं। इसके बाद से ही जल से लेकर तमाम उन चीजों से महादेव का अभिषेक किया जाता है। भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए भक्तगण बेलपत्र और समीपत्र चढ़ाते हैं। इस संबंध में एक पौराणिक कथा के मुताबिक जब 89,000 ऋषियों ने महादेव को प्रसन्न करने की विधि परमपिता ब्रह्मा से पूछी तो ब्रह्मदेव ने बताया कि महादेव 100 कमल चढ़ाने से जितने प्रसन्न होते हैं उतना ही 1 नील कमल चढ़ाने पर होते हैं। वैसे ही 1,000 नील कमल के बराबर 1 बेलपत्र और 1,000 बेलपत्र चढ़ाने के फल के बराबर 1 समी पत्र का महत्व होता है। बेलपत्र भोलेनाथ को प्रसन्न करने का आसान तरीका है। बेलपत्र के महत्व में एक पौराणिक कथा के मुताबिक एक भील डाकू परिवार का पालन पोषण करने के लिए लोगों को लूटा करता था। सावन माह में एक दिन डाकू जंगल में राहगीरों को लूटने के इरादे से गया। एक पूरा दिन रात बीत जाने के बाद भी कोई शिकार नहीं मिलने से डाकू परेशान हो गया और डाकू पेड़ पर छुपकर बैठा था। वह बेल का पेड़ था और परेशान डाकू पेड़ से पत्तों को तोड़कर नीचे फेंक रहा था। डाकू के सामने अचानक भगवान शिव प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। अचानक हुई शिव कृपा जानने पर डाकू को पता चला कि जहां वो बेल पत्र फेंक रहा था उसके नीचे शिवलिंग स्थापित है। इसके बाद से बेल पत्र का महत्व बढ़ गया। तो ये थे फ्रेंड्स, सावन में शिवलिंग का ऐसे करें अभिषेक, का सभी मनोकामनाएं होगी पूरी। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही सब्सक्राइब करना भी ना भूलें ताकि इसी तरह की जानकारी आपको लगातार मिलती रहे। अपने घर और आसपास की सफाई रखें, सकारात्मक सोचें और खुश रहें। धन्यवाद।